नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। CPSM कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से मंगलवार को 15वां इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के करीब 15 कॉलेजों ने भाग लिया। द्रोणा कॉलेज के चेयरमैन भीष्म भारद्वाज के सानिध्य में 10 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ऑल ओवर ट्रॉफी जीतकर अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम सिंधु समेत डॉक्टर सुमन, दीपशिखा कौशिक, सोनिया माही, किरण व ज्योति यादव ने सभी विजेताओं का हौसला बढ़ाया। कॉलेज की प्रिंसिपल पूनम सिंधु ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगलवार को CPSM कॉलेज में 15 कॉलेज के करीब 80 बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और हर साल की तरह इस साल भी उनके कॉलेज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 60 ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। तो वहीं डॉक्टर पूनम की माने तो इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से बच्चों का स्टेज फियर दूर होता है और बच्चों के फ्यूचर में इस तरह की एक्टिविटीज बहुत मददगार साबित होगी। मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंधु है। मैं प्रिंसिपल द्रोणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। सर, ये कॉलेज के बच्चों ने कंपटीशन जीता है, इंटर कॉलेज कंपटीशन जो CPSM कॉलेज में हुआ है और इसमें हमारे 15 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से बच्चों ने ओवरऑल रनिंग ट्रॉफी ये जीती है। 10 पार्टिसिपेंट्स हमारे थे जिन्होंने ओवरऑल प्रतिभागी लिया और इसके बाद जो 7 बच्चे थे जिन्होंने प्राइज जीता है, 7 बच्चे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में थे, जैसे PPT, चॉकबोर्ड राइटिंग, फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, काफी सारे वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हुए जिनमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर, वहाँ पर अराउंड 80 बच्चे थे सर, वहाँ पे 80 स्टूडेंट्स। सर, फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। एक्चुअली हम 13-14 साल से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बच्चे भाग लेते हैं उनको वहां आने के बाद ये पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है और उनका जो स्टेज फियर है वो दूर हो जाता है। एक्चुअली स्टेज में जो जो कमियां इनको फील होती हैं एज अ टीचिंग, तो वो ये अपनी दूर कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा योगदान है कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर भाग देते हैं और ये बच्चे भी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो वहीं चॉकबोर्ड राइटिंग की विनर रही प्रीति की माने तो पिछले 15 दिनों से इस कंपटीशन की तैयारी चल रही थी और उनके कॉलेज ने चॉकबोर्ड राइटिंग के अलावा नृत्य कला, फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, रंगोली व PPT में ट्रॉफी जीतने की सफलता प्राप्त की। प्रीति ने दूसरे स्टूडेंट को कॉलेज में आने का न्योता देते हुए कहा कि उनका कॉलेज हर तरह की सुविधाओं से लैस है, ऐसे में इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना उनके कैरियर में मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं अन्य विनर हेमंत ने मीडिया से कहा कि इस तरह के कंपटीशन से अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। हेमंत की माने तो उनके कॉलेज के टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और उन्हें हर चीज के लिए प्रोत्साहन देते हैं। मेरा नाम प्रीति है, मैं द्रोणा कॉलेज की छात्रा हूँ और हमने CPSM इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था और मैंने चॉकबोर्ड राइटिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। हमारे कई सारे छात्रों ने उस कंपटीशन में पार्ट लिया था, जिसमें से काफ़ी सारे कंपटीशन रखे गए थे, जैसे कि चॉकबोर्ड राइटिंग है, फ्रेश फ्लावर मेकिंग था, PPT था, डिजिटल मेकिंग था और अदर काफ़ी सारे सेवन कॉम्पिटिशन रखे गए थे, जिसमें से हमारे कॉलेज ने 5 कंपटीशन में स्थान हासिल किया है और हमारा और ओवरऑल जो ट्रॉफी है वो हमारे कॉलेज ने ही हासिल की है। तो मैं यही कहना, सब बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कॉलेज में आए, क्योंकि इस कॉलेज में आने से एक तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ता है और ये भी है कि जो बच्चे पार्ट नहीं ले पाते वो पीछे रह जाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो आगे आए, जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और उनकी एक अलग पहचान बने। कितने दिन से तैयारी चल रही थी? हमारे कॉलेज में कम से कम 15-16 दिन से तैयारी चल रही थी, जिस काबिल हमने ये स्थान हासिल किया है। नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत निवार है और मैं द्रोणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड का छात्र हूं। हेमंत, कितना एक्सपोजर मिलेगा आपको इन फ्यूचर और आपको कॉलेज की तरफ से क्या कुछ हेल्प की गई, क्या कुछ फैकल्टीज की तरफ से आपको गाइड किया? सर, हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो हमेशा हमारी हेल्प करते रहते हैं। हम चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहें, कोई भी चीज करना चाहें, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और यहाँ तक कि वो हमें हर चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे हर चीज के लिए आगे रहना है। तो जो ये कंपटीशन था ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर, इसलिए बिकॉज हम शुरू जब करते हैं तो हम छोटी सीढ़ी से शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हम
ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। मेनली क्या होता है कि हमारा जो टैलेंट होता है हम उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि मैंने अपने नेक्स्ट टैलेंट को थोड़ा सा अलग मोड दिया था, तो इसी तरीके से हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी में टैलेंट की कमी होती है या कोई और चीज। एंड टीचर्स का सबसे बड़ा हाथ है, बिकॉज दे आर लाइक वो एक सुनार की तरह है कि जो कि सोने को तराशते हैं और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। बीएड की छात्रा प्रीति के अलावा हेमंत और शिवानी ने नृत्य कला में दूसरा, शिवाली और सुरोचिता ने रंगोली में दूसरा, फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट में नरसिम ने दूसरा, पीपीटी में नृत्या ने दूसरा स्थान प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन किया। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।